पापा ने मोटर चालू की थी तो जुवर में ग्रास घास में और सब में पानी जा रहा है मकई में, तो मैंने भी इसमें चालू कर दिया फ्लावर्स में, क्योंकि अब सब कुछ सूखने लगा है। ये आप देख सकते हैं पेड़ पौधे सब सूखने लगे हैं, तो पानी इसलिए स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर भी सूखने लगे तब पानी दे दिया है, तो और अब हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो जुवार में भी पानी जा रहा है, तो चलिए वो भी दिखाऊंगा। और ऐसा ही रहा बारिश का, 1 हफ्ते तक तो कुछ नहीं लगता बारिश आएगी, तो मूंगफली पे पानी देना होगा मूंगफली में भी। वैसे तो इसमें से जो घास वो सब निकाल लिया है मूंगफली में से, अब सिर्फ बारिश की ज़रूरत है। तो आज सुबह से लेकर शाम तक का व्लॉग नहीं आ पाएगा, जैसे एक व्लॉग आ जाएगा, लेकिन सुबह में जो मैं वो व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काम आ गया था थोड़ा सा, इसलिए देर हो गई। क्योंकि संडे था तो मैंने सोचा था कि आज पूरे दिन का व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि काम आ गया था। तो अब जो ये दोपहर के बाद का 4 बजे के बाद का है व्लॉग वो आएगा। तो अभी तो बज गए हैं 5, तो पानी स्टार्ट ही है अभी, तो जुवर में जा रहा है वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ आपको। और सबको पानी पिलाना है अभी क्योंकि ताज़ा पानी आ रहा है। तो और मीरा यहाँ पर बांधी हुई है, मीरा तो मीरा को ऐसे खुजाते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो अभी जा रहा हूँ जुवर में, पानी जा रहा है वहाँ पर। तो आज फिर से ग्रास काट के लिए आए हैं, ये घास हमारे दूसरे खेत से, तो वो दिखाना भूल गया आपको, वरना वो भी दिखाना ही था क्योंकि काम आ गया था इसलिए दिखा नहीं पाया। तो ये इतना घास ले आए हैं पशुओं के लिए, तो ये अब रोज का काम हो गया है, पूरे मानसून में ऐसा ही काम चलेगा। तो अब फ्लावर्स में पानी दे दिया था तो इसमें चढ़ा दिया है, ये मिर्ची के छोड़ है यहाँ पर। टाइगर भी यहाँ पर ही घूम रहा है क्योंकि पानी स्टार्ट है। और ये जुआर है, उस तरफ है घास और उस तरफ भी जुआर है, तो वो जुआर पिला दी है, अभी ये घास में जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आज तो धूप ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसलिए खेत एकदम सूख गए हैं सभी, तो पानी देना ज़रूरी है, फिर ये जुआर में जाने देंगे। ये अब लास्ट बार है, इसको काट कर दूसरा कुछ लगा देना है यहाँ पर, ये घास ही लगाएंगे शायद। तो अभी पापा वो सब गए हैं, हमारा जो बड़ा बैल है उसके पैर में कुछ तकलीफ है, तो वो उसका इलाज करवाना है, तो उसको अभी गिराएंगे, फिर उसके पैर में से जो तकलीफ है उसका कुछ उपाय होगा तो वो बनाएंगे। तो अभी बैल को यहाँ पर ऐसी ज़मीन में ले आए हैं क्योंकि अभी उसको गिराना है, तो उसको लगे नहीं ऐसी ज़मीन है जो हमने कल चलाया था वही। तो अभी ये जो रस्सी है वो उसके जो शरीर है उसमें बांधेंगे जिससे आसानी से गिरा सकेंगे, क्योंकि उसके पैर में जो तकलीफ है उसको गिराने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे तो वो लात मार देगा। तो ऐसे रस्सी बांधते हैं जिससे आसानी से गिर जाए, फिर पीछे से खींचेंगे। तो जयेश भाई वो सब अभी यहाँ पर है, 3-4 आदमी, और तो अभी वो खींचेंगे पीछे से, फिर आगे दिखाएंगे क्या उसको प्रॉब्लम है, पैर में छोटा सा होल हो गया है, तो अभी खींच रहे हैं, थोड़ा सा खींचेंगे तो ही गिर जाएगा।
तो देखो आप, थोड़ा सा ही खींचा है तो गिर गया। अब उसके आगे वाले पैर में एक तकलीफ है, तो ब्लॉक को कंटिन्यू करो। तो अभी इसके पैर में जो साफ़ करना है, तो पैर पानी से धोकर साफ़ कर रहे हैं। जो नीचे वाला भाग बोलते हैं उसको खरी बोलते हैं, तो उसमें एक छोटा सा होल है। तो अंदर से अभी पापा और जयेश भाई जो कंकड़ियाँ होती है, पत्थर छोटे छोटे, वो निकाल रहे हैं। तो वो आप देख सकते हैं, अभी वो तो बड़ा होल है, अभी तो सारे पत्थर निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो अभी मैं रुई लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पैर में ये लगाना है हमको, क्योंकि जो होल है उसके पैर में, उसमें ये लगा देंगे तो पत्थर नहीं जाएंगे। तो श्यामा का और भैंस का मिल्किंग हो रहा है अभी, और इस बैल के पैर में तकलीफ थी एक, उसके पैर में एक होल हो गया था, जिसमें छोटी छोटी ऐसी जो ये कंकड़ियाँ होती है वो फंस जाती थी अंदर। तो आप देख सकते हैं इस वाले जो राइट साइड में है, जो पैर, उसमें पाटा बांध दिया है हमने, और अंदर जो कंकड़ियाँ थी वो निकाल दी है, इसलिए बेल को गिराया था। तो अभी वो भी आपने देखा ही आगे कैसे गिराया। यहाँ पास में से जयेश भाई आए थे और दो तीन आदमी। तो उस पैर में वहाँ पर बांध दिया है वो, तब उसको आराम रहेगा और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पहली बार भी ऐसा ही हुआ था, उसको गिराया था और उसमें से कंकड़ियाँ निकाली थी। यह दूसरी बार है, अभी भी लगभग एक साल 6 महीने बाद जब चलाएंगे उसको, तब फिर से निकलना पड़ेगा। अब तो वॉल छोटा हो जा रहा है। तो दोस्तों, आज है दिवासा, तो आज सब मम्मी और चाची वो सब आज उपवास करते हैं, सभी औरतें करते होंगे। तो यहाँ पर लिखा है, ये जो पानियारा बोलते हैं हम, जहाँ पर पानी पीने की सुविधा होती है वो, तो यहाँ पर भी पोस्टर भी लगाया है, ये सब भगवान के फोटोज़ हैं। और यहाँ पर आज लिखा है, जय व्रत माँ, जय जीव्रत माँ, जय जया माँ, जय विजया माँ। और यहाँ पर पारणा भी बनाया है, ये बच्चा है, ये मोर है, तो ऐसा बनाया है मम्मी ने। तो कैसा लगा वो भी बताना। तो आप सब भी ऐसा करते होंगे। तो आज धूप थी इसलिए पहले अंदर ले लिया था सबको, लेकिन अब शाम हो गई है तो सबको बाहर ले रहा है भैया, और धुआड़ी रखी है यहाँ पर। और मम्मी मीरा को दूध पिला रहे हैं। मीरा नो आयोडन मम्मी दूध पीता, तो ये मम्मी पिलाती है तो ये पी सकती है, वरना अकेले तो नहीं पी सकती। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करेंगे, और बैल को भी जो एमसील आती है एक गांव में, वो जो बैल की जो खरी थी नीचे का पैर, उसमें एक होल हो गया था, तो उसमें वो एमसील डाल दी है हमने, जिससे कि अब होल है वो पूरा पैक हो जाएगा ऐसा लगता है। और कपड़ा बांध दिया है तो लगता है अब ठीक हो जाएगा, वरना फिर से करना पड़ेगा थोड़े दिन के बाद, या फिर 6 महीने के बाद जब चलाएंगे तब। और आज का व्लॉग तो ऐसा था, तो आज का व्लॉग एंड करेंगे, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी बताना, और व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद। और मैं वीडियो के लास्ट में जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद तो बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं और किसान हमारे देश के लिए खाना उत्पन्न करते हैं, तो जवान और किसान तो एक देश के लिए महत्वपूर्ण है, एक भाग है ऐसा बोल सकते हैं हम।
तो अभी बस मीरा को दूध पिला लिया है, तो अभी उसको ऊपर बांध देंगे मम्मी। तो मिलते हैं कल के लोग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।